श्रीमन्नारायण, वेलकम बैक टू द चैनल माधव माइक्रोबायोलॉजी। सो वंस अगेन आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो माई सेल्फ हर्षिता गहरवा। सो थ्रू दी बैकग्राउंड यू मे अंडरस्टैंड वंस अगेन आई एम बैक विद दी न्यू आस्पेक्ट ऑफ माई टॉपिक थ्रू दी वीडियोज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूसिंग यू। सो टुडे द टॉपिक विच आई एम प्रेजेंटिंग हियर इज इट बेनिफिट्स ऑफ मोगरा, और यू कैन से अ जैस्मिन प्लांट। दिस इज़ अ प्लांट ऑफ मोगरा। ये मोगरा का प्लांट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोगरा के अंदर एक बहुत ही ब्लूमी सी स्मेल होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। एंड क्योंकि ये फ्लोरल पार्ट है, इसके बहुत सारे हम जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हैं वो देखते हैं, जितने भी आपके कॉस्मेटिक्स में होते हैं लाइक आप सॉप्स में देखते हैं जिसमें जैस्मिन फ्लेवर का भी होता है। कोबरा क्या है? इसके अंदर एक ऐसा एंटीसेप्टिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो बॉडी में बहुत सी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, एक क्लिनजर का काम करता है, एक अच्छा क्लिनजर का काम करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसके ये फ्लावर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्लूमी होते हैं, एंड बहुत ही इसके अंदर जो फ्रेशनेस है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। साथ ही साथ में अगर मैं देखूँ तो जितने भी आप इसेंस स्टिक्स देखते होंगे जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, तो वो भी इसके फ्लेवर्स में अवेलेबल होती है, जो कि बहुत ही फ्रेशनेस आपकी किसी भी सराउंडिंग्स में क्रिएट कर सकती है। तो साथ ही साथ में ये मोगरा सिर्फ हमारे फ्रेशनेस को ही नहीं, साथ हमारे बॉडी में जितनी भी डर्ट होती है उसको क्लींस करता है, एक अच्छा डर्ट क्लींस का काम करता है, बॉडी एयर को अच्छा करता है, स्किन में जितना भी ड्राइनेस होता है उसको ये कम कर देता है, स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है। किसी भी तरीके की बॉडी कितनी भी प्रॉब्लम हो स्किन में उसको ये कम्प्लीटली रिपेयर करता है। अगर आप मोगरा का कोई भी एक ऑयल लेंगे वो भी आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग करेगा, डार्कनेस से हटाएगा। अगर आप इस तरीके के किसी भी फ्रेशनेस को लेंगे, किसी भी इमेंस स्टिक्स को लेंगे, तो आपके सराउंडिंग्स को काफ़ी फ्रेशनेस का कर देगा। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे हम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने लाइफ्स में। अगर मैं बात करूँ कि क्या मोगरा का, सिर्फ मोगरा और जैस्मिन में कोई अंतर है, तो अंतर सिर्फ एक बहुत ही माइनर सा है। जैसे मैं मोगरा की बात करूँ तो जो मोगरा का जो साइंटिफिक नेम है वो है जैस्मिनम सलगम। ये उसका एक साइंटिफिक नेम है मोगरा का। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैस्मिन का, तो जैस्मिन क्या है, कहीं ना कहीं एक अरबियन नाम आ जाता है मोगरा का, तो इसलिए इसको अलग बोल देते हैं। बट द सेम थिंग इज़ कि वो दोनों एक ही चीज़ है, बस अंतर ये आता है कि वो एक अरबियन का नेम हो जाता है जैस्मिन में, एंड जो इसकी फैमिली से बिलोंग करता है वो ये बिलोंग करता है ओलिशिया से इसकी फैमिली आती है। साथ ही साथ में जैसे आप इसके पेटल्स देख रहे होंगे, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, जो इसके ये पेटल्स हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक अच्छा खासा एक पॉलन दिख रहा होगा, ये एक अच्छा एक पॉलन ग्रेन्स है, एक पॉलन है, एक स्टिग्मा है जहाँ पे इनको अच्छे से ये किसी भी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये इसका पॉलन स्टेन्स है, पॉलन ग्रेन्स हैं, जो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि जहाँ पे भी ये प्लांट होता है वहाँ पे इसकी बहुत खुशबू होती है। इसको कहीं कहीं पर रात की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खुशबू को फैलाता है अपने आसपास में। एक तरीके का ये एंटी एजिंग क्रीम का भी काम करता है। कुछ कुछ क्रीम्स भी हैं जो इंडस्ट्रियल ने प्रोसेस करके बनाई हैं, जिसमें इसका फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है, जो स्किन को काफ़ी हद तक अच्छा बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके के कुछ इसके एसेंशियल बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताया है। थ्रू द वीडियो आई नीड टू नो यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द जैस्मिन और अ मोगरा। सो थ्रू द वीडियो आई मेक यू टू नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मोगरा एंड जैस्मिन। एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड टू इंट्रोड्यूसिंग द प्लांट्स टू वर्ड्स इज दैट इज़ ओनली कि क्या होता है कि हम बहुत सी चीज़ों को हमेशा कॉन्सेप्चुलाइज पढ़ते हैं, लेकिन अपने नेचर्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, वेज का प्लांट हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो। एंड क्योंकि मोगरा एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा प्लांट है, इसलिए मैं चूज़ किया आपको उस वीडियो के थ्रू दिखाने के लिए, एंड ऑल्सो टू मेक यू सम प्रमोटिंग टिप्स। लाइक क्या होता है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि गार्डन्स कुछ ही जगह पर लोग अपने घर में रखते हैं, लेकिन हमें गार्डन्स भी अपने घर में बनाने चाहिए। इससे ये होता है कि एक तो गार्डनिंग करने से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो और ग्रीनरी को इन्हेंस करता है, ग्रीनरी उससे इन्हेंस होती है, साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स आती है,
अच्छा सराउंडिंग्स बनता है इस तरीके से। जितनी भी छोटी छोटी नॉलेज है अबाउट द एग्रीकल्चर, अबाउट द फ्लावरिंग, अबाउट द प्लांटिंग, हम उनसे टच में रहते हैं, हम उसके एक कॉन्टैक्ट में रहते हैं जो हम किसी भी टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ सकते जब तक हम उसको एक्सपीरियंस ना करें। सो थ्रू दिस काइंड ऑफ द वीडियोज आई ट्राई माई बेस्ट ऑलवेज टू मेक यू टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द नेचर, द वैल्यू ऑफ द प्लांट्स, वाट एवर इट इज, इट डजन अ मैटर, बट मैटर इज दैट इज ओनली दैट वाट द काइंड ऑफ नॉलेज वी आर अर्निंग फ्रॉम द प्लेस। तो इस तरीके से चीज़ों को करते रहना चाहिए एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, so please subscribe it and meet you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.